हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE. एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है. स्वागत है आपका इस चैनल पर ECLE के. और आज हम पढ़ने वाले हैं वांट ए टू बी. ओके, हमने पिछली क्लास में पिछले वीक में वांट टू बी पढ़ लिया था. हमने तीनों की हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया दो तीन दिन से. तो कुछ ही वीडियो में अपलोड कर पाया, बस वीक में तीन या चार वीडियो में अपलोड कर पाया. और जो स्पेशल क्लास वाली जो वीडियो थी वो बीच में ही अपलोड हो गई. सो थोड़ी सी गड़बड़ा गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम वांटेड टू बी पढ़ते हैं. ओके, बहुत आसानी आराम से क्लास होगी. और ध्यान से देखना, यदि आपने वांटेड टू बी की अगर क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास देख सकते हैं. वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसमें चैनल पर आपको मिल जाएगी. ओके, और उससे पहले मैं आपके लिए पांच वर्ड जो बॉकी लिख के लाया हूँ, ये भी आपको लिख लेना है आपकी कॉपी में. बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और आप सेंटेंस बना सकते हैं. और सेंटेंस बनाने में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. बिल्कुल शानदार क्लास आज की. आज थोड़ी सी मेरी घर की लाइट बिगड़ गई और मौसम भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा बादल है इसलिए थोड़ा अंधेरा सा फील हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अपन मैनेज कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को पढ़ना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो सबड्यूड क्या होता है? सबड्यूड मींस होता है, सबड्यूड लाइट मींस होता है धीमी बत्ती है, या धीमी लाइट बोल सकते हैं. लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी, धीमी बत्ती हम बोल सकते हैं सबड्यूड. ओके, तो इसके हम सेंटेंस आसानी से हम बना सकते हैं, जैसे उसने धीमी बत्ती में पढ़ाई की, ही स्टडीड इन द सबड्यूड लाइट. बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं. दूसरा है थिक फॉग मीन्स होता है घना कोहरा. देखो सर्दियों का सीजन चल रहा है तो कोहरा भी, देखा होगा आपने, कोहरा भी बहुत ज़्यादा होता है. अभी तो नहीं हो रहा हालांकि, तो बहुत ज़्यादा का घना कोहरा होता है. तो घना कोहरे को हम क्या बोलते हैं? थिक फॉग मतलब घना कोहरा, बहुत ज़्यादा घना कोहरा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि उसने घने कोहरे में गाड़ी चलाई, तो ही रोड इन द थिक फॉग, बना सकते हैं. सेकंड देखो वर्कशॉप मीन्स क्या होता है? वर्कशॉप मीन्स होता है कारखाना. ओके, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं. और कंसेशंस मीन्स क्या होता है? कंसेशन मीन्स रियायत या छूट बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो योजनाएँ रहती हैं, जो प्लान्स रहते हैं, जो कुछ जैसे लोन वगैरह देते हैं, तो उसमें अपन कुछ रियायत या कुछ छूट मिलती है बोलते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसेशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंसेशंस हम बोल सकते हैं, कंसेशन आप आसानी से बोल सकते हैं. एक और मीनिंग है पाँच की, ये डिस्प्यूट है. ये शायद मैं एक दो बार शायद इसको बड़ा बता चुका हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं खुद भूल गया. ओके, क्योंकि भूल जाते हैं. तो ये डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है? झगड़ा होता है या फिर विवाद, जैसे कि जमीन का विवाद है, कोई भी सब विवाद जो जमीनी विवाद होते हैं जिनमें थोड़ी दिक्कत होती है, जमीन के विवाद हो गए या घर मकान वाले के ऐसे कुछ थोड़े बहुत विवाद होते हैं छोटे मोटे, तो क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट में झगड़ा या फिर विवाद हम बोल सकते हैं. और इसके आप भी सेंटेंस हम बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ. तो आप इसका मीनिंग लिख लेना, इसके सेंटेंस आपको बनाने हैं. ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, ज़्यादा फालतू की बात ना की हो, आप इसको कॉपी पर आसानी से लिख लेना. ओके, क्योंकि आप लिखोगे सेंटेंस बनाओगे तो आपको बॉकअप अपने आप याद हो जाएगी और आप इसका यूज़ कर देंगे सेंटेंस बनाने में, बॉकअप की भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. इसलिए मैं पांच वर्ड ले रहा हूँ. ओके, हर वीडियो में अपन पांच वर्ड लेंगे, ऐसे करके अपनी बहुत सारी अपनी बॉकअप भी इंप्रूव हो जाएगी, सेंटेंस बनाने हम सीख रहे हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, इसको हम मिटा देता हूँ. तो अपन क्या पढ़ रहे थे? वांटेड टू बी पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे? वांटेड टू बी. ओके, वांटेड टू की बी मतलब होता है बनना चाहता है या होना चाहता था. ये पास्ट का फॉर्म है. ओके, लगभग आप पढ़ चुके हो कन्फर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म तो पढ़ चुके, पास्ट फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वांटेड टू बी की क्लास में. ओके, सो फर्स्ट है क्या देखना, बनना चाहता था या फिर होना चाहता था. क्या बोलेंगे? बनना या होना चाहते थे. ओके, चाहती थी या फिर एक मैंने नई मीनिंग बताया था चाह के सेंस में, उसने बनना चाहा या होना चाहे. फर्स्ट है क्या है? बनना चाहा, उसने डॉक्टर बनना चाहा, ठीक है, उसने डॉक्टर बनना चाहा या फिर चाहा था. क्या बोल सकते हैं हम? चाह
चाहा था, बनना चाहा था या होना चाहा था, होना चाहा था। तो इसकी बहुत सारी क्या पहचान है, इसकी बहुत सारी पहचान और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन के लिए जो जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्या रहती है, पहचान रहती है, वो आपको ध्यान से देखना पड़ता है। ओके, सो इसके हम सेंटेंस में बना सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम लिखते हैं, ओके, आसानी से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हम वह शिक्षित होना चाहता था, वह शिक्षित होना चाहता था। ये मेरी फेवरेट था, शिक्षित होना चाहता था, मैं फेवरेट हर बार लेता हूँ, मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ शिक्षित होना। ओके, उसने उसने ईमानदारी बहुत लेता हूँ मैं, देख लूँगा, ईमानदार बनना चाहा, उसने ईमानदार बनना क्या बोलेंगे हम, चाहा, उसने ईमानदार बनना चाहा। ओके, बोल सकते हैं हम दयालु होना चाहते थे, होना चाहते थे, ये भी मैंने बहुत लिया है, चाहते थे, बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ओके, उसने यार उसने नहीं रमेश ने रमेश रमेश ने इंजीनियर इंजीनियर नहीं नेता बोलते हैं लीडर बोलते हैं नेता होना चाहा था या बनना चाहा था, नेता बनना चाहा था, नेता तो हम बनते हैं ना, बनना चाहा था, बोल सकते हैं नेता बनना चाहा था। और एक और लेते हैं, कोई भी हम लेते हैं, जैसे हाँ वे वकील बनना चाहते थे, वकील बनना चाहते थे। बाकी आपको सेंटेंस तो आपको बनाने बहुत सारे बनाने हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्प रहेगा, और जो हेल्पफुल चीज़ है उसको बनाना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेंटेंस बनाओगे तभी आपका कुछ ना कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप ना तो भूल जाओगे, इसलिए सेंटेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस जितना भी हो सके, एग्जांपल मीनिंग्स में सब कुछ करा रहा हूँ, आपको सेंटेंस बनाना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल डू इट, और आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, आई थिंक आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो अगर कोई वीडियो को देख रहे हो, तो मैंने यह नई पहचान बताई, बनना चाहा था या होना चाहा था, तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये थोड़ी सी नई खोज है, मतलब मैं थोड़ा सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ एक प्रकार से बोल सकता हूँ, तो मुझे ये भी समझ आया, तो मैंने ये भी आपको लिखवा दिया, तो आप इसको भी आपको कॉपी में लिखना है, और जो मेरे नए स्टूडेंट है वो तो लिख ही रहे हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। ओके, स्ट्रक्चर आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा आपको पहले से, लेकिन मेरा क्या है काम है, मेरा काम है स्ट्रक्चर आपको लिखवाना। ओके, तो स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल आसानी से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो पहला देखो सब्जेक्ट आएगा, फिर वांटेड तो आते ही है, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ओके, बी का फॉर्म आएगा नॉन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, ओके, नेगेटिव भी बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट टू आएगा, हर बार की तरह मैंने आपको बताया, प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हो, ध्यान रखना आप सेंटेंस को मैं रटना नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, तो आपको रटना नहीं है, सेंटेंस को आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट, ओके, प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ऐसे ऐसे लास्ट वाला देखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट, फोर्थ वाला है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, हमेशा आपको याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट आता है, प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके, ये हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया। ओके, फोर्थ वाला स्ट्रक्चर बनाते मैंने बताया था, क्वेश्चन वर्ड वाला मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन वर्ड आपको याद होगा, तो क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, बस ऐसे लास्ट वाला बना लो, लास्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी क्या नहीं करना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सेंटेंस में, सेंटेंस जरूर बनाना है, जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाओगे उतना ज़्यादा, क्योंकि बना आप भूल सकते हो, श्योर है, 100% श्योर है आप बिल्कुल भूल जाओगे। ओके, प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लो, देखो मैं एक बार बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके, ध्यान रखना, नेगेटिव के बाद फर्स्ट वाला केस में आएगा वांटेड, वाला केस में आएगा फर्स्ट वाला क्या रहेगा, वांटेड टू बी रहेगा, उसके बाद सबके नीचे क्या वांट टू लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट टू,
प्लस बी यहाँ प्लस लगा दो, ओके प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस टू, प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ऐसे ये फोर्थ वाले सेंटेंस हैं, ओके सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपने लिख लिया होगा जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप इस आसानी से छह स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। जो मेरी वीडियो को फॉलो कर रहा होगा, तो मैं अगर मैं इसको व्यक्ति को एक सेंटेंस बता दूँ एक, तो आप छह स्ट्रक्चर वो आसानी से बना सकता है। तो ये क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये लर्निंग है। अगर आप सोचोगे रट रहा हूँ तो रटने में तो भूल जाओगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी है उतनी ज़्यादा आपको सेंटेंस बनाने हैं, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप डायरेक्ट अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा, ओके। तो हम सेंटेंस बनाने पर जाते हैं, नेक्स्ट वाला सेंटेंस हम बनाते हैं, ओके। स्ट्रक्चर आपने देख लिया हो और ध्यान से आपको जो इसमें इसकी पहचान बताई है सेंटेंस की लास्ट में जो पहचान बताई है, जो भी पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट हो, वो इसको लिख लेना पहचान को, कुछ नया मैंने आपको बताया है, ओके। तो हम शिक्षित होना चाहते थे, ये तो मैंने बना दिया, लेकिन ये बोलो उसने ईमानदार बनना चाहा, उसने ईमानदार बनना चाहा, ये भी हम बना सकते हैं, ओके। उसने ईमानदार बनना चाहा, क्या चाहा, ईमानदार बनना, उसने ईमानदार क्या बनना चाहा, ईमानदार बनना चाहा, क्या चाहा, बनना चाहा, ओके। चाहता था भी लगा सकते थे, लेकिन ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, आप इस प्रकार से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग है, दिमाग को साइंटिस्ट आ गए। अब मैंने अच्छे जी बता दिए और सोचा कि ये चाह दी कैसे बनेगा, तो आपको कन्फ्यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये सोचे ना तो किसी अलग से बनेगा, ओके। सो इसका हम बनाते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन क्या बनेगा, उसने तो क्या आएगा, ही वॉन्टेड टू बी ऑनेस्ट, हर बार मैं बताता हूँ ऑनेस्ट हर बार। हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो जरूरी नहीं है, ट्रांसलेट करोगे जरूरी नहीं है कि बनना चाहा, चाहता था भी आ सकता था, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट करो चाहा तो इससे भी आपको बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं, तो आप ध्यान रखना, ओके। ऐसे नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा, उसने ईमानदार बनना नहीं चाहा, उसने ईमानदार बनना नहीं चाहा, क्या नहीं चाहा, नहीं चाहा, तो हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। फिर इंटरोगेटिव बना दो, क्या उसने ईमानदार बनना चाहा, ईमानदार बनना चाहा। आप सीख रहे हो, बिल्कुल भी बोर नहीं होना क्लास में, क्योंकि बोरिंग वाली क्लास नहीं है, अगर बोर हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। क्या आएगा, डिड ही वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल बना दिया, क्या उसने ईमानदार बनना नहीं चाहा, हो सकता ना चाहो, तो क्या आएगा, Did he not want to be honest? बिल्कुल हम बना सकते हैं, Did he not want to be honest? टू लगा दे यहाँ पर, मैं टू भूल गया, उसने ईमानदार बनना कब चाहा, यहाँ बना दो, उसने ईमानदार बनना कब चाहा, टाइमिंग के बता रहा था, क्या आएगा, when did he want to be honest, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखते हैं, उसने ईमानदार बनना कब नहीं चाहा, थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत है, एडजस्ट कर लीजिए आई होप, ओके। तो क्या आएगा, When did he not want to be honest? ओके तो आप कंफ्यूज हो गए वॉन्ट टू और वॉन्टेड टू में, क्योंकि नीचे भी वॉन्ट टू आ रहा है, ये डिड का सब अकेले सिंबल है, ओके। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस बनाने में, आप सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम प्रैक्टिस पे चलते हैं, छः आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बिल्कुल ओके। तो उसने ईमानदार बनना चाहा बना सकते थे, वह शिक्षित होना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बी एजुकेटेड, वह शिक्षित होना नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी
एजुकेटेड काव्य शिक्षित होना चाहता था? डिड ही वॉन्ट टू बी एजुकेटेड? काव्य शिक्षित होना नहीं चाहता था? डिड ही नॉट वॉन्ट टू बी एजुकेटेड? बाय किसकी तरह शिक्षित होना चाहता था? किसकी तरह था? एवर बींग होम डिड ही वॉन्ट टू बी एजुकेटेड? बाय किसकी तरह शिक्षित होना नहीं चाहता था? एवर बींग होम डिड ही नॉट वॉन्ट टू बी एजुकेटेड? हम ऐसा हम बना सकते हैं, फटाक से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम दयालु होना चाहते थे, रमेश नेता बनना चाहता था, वे वकील होना चाहते थे। ये आपको सब ट्रांसलेट करने हैं, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करोगे, सेंटेंस बनाओगे, तब ही आपको उद्धार होगा। अगर आपने आपने सोचा कि मैंने वीडियो देख ली, फुल वीडियो देख ली और मैं सेंटेंस बनाने लगा, कॉन्फिडेंट आने लगा, तो ये आप गलत हो, क्योंकि इसका मत कोई मतलब नहीं रह जाएगा वीडियो देखने का। सो मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेंटेंस बनाने, जितना पॉसिबल उतना सेंटेंस बनाओ, क्योंकि कुछ भूलोगे नहीं। अगर आप सेंटेंस बनाना छोड़ दिए तो ये समझ लो कि आप भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, क्योंकि मैं भी भूला हूँ, क्योंकि मैं भी बीच में क्या दिक्कत हो गई थी, तो आप और कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि जितना हम अंक पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा हम कन्फ्यूज होंगे। तो अगर आप सेंटेंस बना रहे हो सेंटेंस को, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास इतनी थी। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। और आपके कोई डाउट हो तो ECLE के, मैंने बताया था ECLE का टेलीग्राम चैनल है, ECLE का एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश का क्या है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करें। उसमें आपको जो भी डाउट्स हो तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं मुझे, तो बोलते हैं कि ये डाउट है, तो मैं उनके डाउट कॉल भी क्लियर कर देता हूं। ओके, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन, बस आपको सीखना है, क्योंकि आपकी डिज़ायर अच्छी है सीखने की, और आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है, मुझे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न स्पीक इंग्लिश, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।